हजरत शेख इस्माइल नभानी ने, मोहम्मद बिन इस्माइल नभानी ने जवाहिरुल बिहार में एक बड़ी लतीफ बात लिखी है। जब सैयदना फारूक आजम और सैयदना अली शेर खुदा दोनों सहाबा हजरत उवैस करनी के पास गए मिलने के लिए, और हुक्म उन्हें आका अलैहिस्सलाम का था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरा उवैस कर्न में रहता है। उमर व अली रजी अल्लाह ताला अनुमा को हुक्म था कि कभी जाके मिलना, मेरा सलाम कहना और कहना उवैस मेरी उम्मत के लिए दुआ कर। सैयदना फारूक आजम और सैयदना अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अनुमा दोनों पहुंचे। ये जवाहिरुल बिहार में इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल नभानी ने बयान किया। तो जाके बैठे तो हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने फरमाया, हुजूर के सहाबी आ गए, जलील उल कदर हस्ती इज्जत की एहतराम किया, यार के मेहमान आए, यार के यार आए, पता नहीं कितने वहां सेज बिछाए, किस तरह अपनी आंखों और पलकों के सेज बिछा दिए, बैठा दिया इज्जत एहतराम से बिठा दिया, और उसके बाद कहा कोई मेरी यार की बात सुना दे, कोई याद की बात सुना दो। लीजो मोहम्मद नाम, पूछा लीजो मोहम्मद नाम, कोई बात सुना दो। वो फिर सुनाने लग गए, वो सुनाने लग गए, एक बात सुनाई, फिर लीजो मोहम्मद नाम कुछ और सुनाओ, और सुनाते रहे, कुछ मक्का की बातें सुनाई, कुछ मदीना की बातें सुनाई, कुछ हिजरत की बातें, कुछ गजबात की, देर तक वो सुनाते रहे सुनाते रहे। हाय 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 लीजो मोहम्मद नाम, जब मजमून बयान कर चुके, आका अलैहिस्सलाम की बहुत सारी बातें सुना चुके, और उन्होंने जमाना आका अलैहिस्सलाम के साथ 23 बरस का लगभग गुजारा था, कितना 23 बरस का आका की बारगाह में गुजारा था। जब सारी 23 बरस की संगत सुना चुके और चुप हो गए तो हजरत उबैस से करनी पूछते हैं कि एक सवाल पूछूं। उन्होंने फरमाया पूछो। पूछा तुमने कभी मोहम्मद को देखा था? हाय हाय लीजो मोहम्मद नाम, क्या खबर। 23 बरस की संगत सुना चुके, सारे ईमान लाने से लेकर विसाल तक सारे हालात सुना चुके, सुनते रहे और सुन के पूछते हैं कभी मोहम्मद को देखा? हाय हाय उन्होंने फरमाया उन्हीं का तो सारी बात सुनाई है। वैसे करनी फरमाने लगे नहीं, जो कुछ तुमने देखा 23 बरस वो तो मोहम्मद का साया था। हाय वो तो मोहम्मद का हाय 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 मुझे माफ कर देना, ये उलमा का जिला है, ये गुजरावाला शहर का फतवा लगाना हो तो इमाम नभानी पर लगाना, वैसे करनी पर लगाना, मुझे माफ कर देना। हाय वो मोहम्मद का साया था, जो तुमने देखा वो मोहम्मद का साया था। हाय हाय इसका मतलब है मोहम्मद को देखा ही नहीं किसी ने। बस लीजो मोहम्मद नाम, नाम जपते रहो, मोहम्मद को देखा ही मोहम्मद को उसने देखा, मोहम्मद को उसने किसी ने नहीं देखा। वो जो जिब्राइल हर वक्त आते थे वो भी मोहम्मद का एक जहूर था, और वो जो मक्का से मदीना उम्र गुजरी और लोग साथ रहते थे वो भी मोहम्मद हकीकत मोहम्मद का एक जहूर था। और मोहम्मद को हकीकत में किसी ने ना देखा, क्यों कि जब जिब्राइल भी नीचे रह गया और सारा आलम मकां नीचे रह गया और साथ कोई भी ना था, न बुराक था, न रफरफ थी, न जिब्राइल था, न आलम खल्क था, कोई भी ना था, जब देखा कोई भी ना रहा, हुक्म मोहम्मद अब पर्दा उठा दो। हाय अब पर्दा उठा दो, अब पर्दा उठा दो। तो पर्दा तो उठाया ही उस वक्त जब देखने वाला कोई ना था, उस मुकाम पर बैठा कर अदना, और उसका पर्दा उठाया और फिर अपना पर्दा हटाया, पहले मोहम्मद का पर्दा हटा उठाया फिर अपना पर्दा हटाया। जब दोनों आमने सामने हो गए, हुक्म समी और बसीर, वो उसको सुन रहा था, वो इसको सुन रहा था, वो उसे तक रहा था या उसको तक रहा था,
बस वहां एक ही सदा थी, लीजो मोहम्मद नाम, लीजो मोहम्मद नाम। लीजो मोहम्मद नाम, हाय 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 हाय, लीजो मोहम्मद नाम। तो वैसे करनी बोले वो तो मोहम्मद का साया था, वो वही कुछ दिखाया गया जो इस दुनिया वाले देख सकते थे, वही कुछ दिखाया गया, हाय हाय, जो इस दुनिया वाले बशमूल अबू बकर उमर और उस्मान वली, जो कुछ वो देख सकते थे उतना कुछ दिखाया गया, बस उतने पर्दे हटाए गए जितने वो बर्दाश्त कर सकते थे, जितने देख सकते थे, फिर उतने पर्दे और उठाए गए जो मलाइका और जिब्राइल की आंख दे सकती थी, जो जिब्राइल देख सकते थे, और अभी कुछ वो भी था जो जिब्राइल भी तकने के काबिल न था। जब वहां पहुंचे तो लीजो मोहम्मद नाम, फिर वो अनवार तो उस वक्त खुले, तो वो मोहम्मद का साया था। तो सारी कायनात अर्श से फर्श तक सब मोहम्मद के साये में है।